अगर आप बीए में हैं बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, है, अगर आपने इंग्लिश में माइनर सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश को ले रखा है फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हम कंप्लीट करवा रहे हैं 100 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड तो अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा हंड्रेड क्वेश्चन का ये हमारा तीसरा वीडियो है पहले वीडियो में हमने ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन सेकेंड वीडियो में ट्वेंटी फाइव से फिफ्टी तक कवर कर लिया है आज की वीडियो में हम फिफ्टी से आगे का कवर करने वाले हैं तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा तो चलिए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या है 51 नंबर क्वेश्चन से तो ये आपके सामने रहा 51 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे ही गॉट उसके बाद स्पेस है उसके बाद ट्रेन अब इन एट ऑन इनटू इन चारों में से राइट right ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए तो 51 नंबर क्वेश्चन का है राइट right आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनटू ही गॉट इनटू द ट्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन का question, है रहा है स्वामी विवेकानंदिफ्टी टू नंबर क्वेश्चन के लिए तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट right आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर फिफ्टी नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सुजाना अरुंधति राय इज ए या एन ऑथर इंडियन है ब्रिटिश है अमेरिकन है नन है इनमें से कौन से हैं? सुजाना अरुंधति राव तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए इंडियन राइटर है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 54 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे रामायण इज द हॉली बुक इसका टाइटल क्या लगेगा एन लगेगा ए लगेगा दा लगेगा या नन ऑफ दिस लगेगा तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी द लगता है किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को दिखाते समय नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 55 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे टी एस इलोट वॉज एवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द ईयर 1948, 1958, 1658, 1758। फिफ्टी तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन के लिए तो 55 फाइव नंबर क्वेश्चन का, का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट नाइनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 56 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे द द द फर्स्ट नोबेल ऑफ आर के नारायण वाज आपके गाइड इंग्लिश टीचर स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड नन इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन के लिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्वामी एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फिफ्टी नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे

आपके ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एम आर आनंद विक्रम सेठ मंजू कपूर या फिर आर्यन टैगोर इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन के लिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 62 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे व्हाट इज द रियल पर्पज ऑफ रिज्यूम आपके ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इट इज ए पर्पज सेकेंड ऑप्शन है इट इज द नीली फॉर एक्सपोजर थर्ड है आपके पास इट इज द डॉक्यूमेंट यूज टू अप्लाई फॉर जॉब्स या नन ऑफ दिच तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सिक्सटी टू नंबर क्वेश्चन के लिए तो सिक्सटी टू नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो रेज्यूमे होता है वो जॉब को लेकर के होता है कि आपका उसमें डॉक्यूमेंट्स इंडिट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 63 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि व्हेन आर्टिकल इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव तो ए लगता है एन लगता, लगता, लगता है तो इन चारों में आपका आंसर हो जाएगा सुपीरियर दिखाना होता है ना सुपरलेटिव डिग्री में तो नेक्स्ट क्वेश्चन है. है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कौन सा 64 नंबर का क्वेश्चन आपसे कि व्हाट इज द फुलजन सीवी आपके ऑप्शंस हैं कम्युनिकेशन वेरीफाइड सेकंड है कम्युनिकेशन व्हीकल्स थर्ड है आपके पास करिकुलम ऑफ वेट टैक्सेज या फिर आपका करिकुलम वीटेक्स uh, तो इन चारों में आपका राइट right आंसर हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन के लिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 65 नंबर का क्वेश्चन 65 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे व्हाट इज द एंटोनम ऑफ प्रॉपर्टीज आपके ऑप्शंस हैं रिचनेस हैप्पीनेस एडवर्सिटी या फिर प्लेजर

इन चारों में आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा सिक्सटी सिक्स नंबर क्वेश्चन के लिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी टू सेटल द डिस्प्यूट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 67 नंबर का क्वेश्चन सेवन नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे दर्पज ऑफ इज आपके ऑप्शन है टू गेट जॉब सेल्फ जो है एडवर्टाइजमेंट फॉर स्किल्स थर्ड है फॉर एन इंटरव्यू एंड फोर्थ है आपके पास नन तो इन चारों में आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा सिक्सटी सेवन नंबर क्वेश्चन के लिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इस पर ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 68 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे फुल नेम ऑफ टी एस इलेट वॉज आपके ऑप्शन है थॉमस स्ट्रीन इलोट या फिर थॉमट स्ट्रीम्स इलोट या फिर थॉमस स्टीले इलोट या फिर नन इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन के लिए तो 68 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट थॉमस स्ट्रीन इलोट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सिक्सटी नाइन नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे ये आपके सामने रहा आ, कह रहा है वन हु बिलीव्स इन गॉड इज नोन एज जो गॉड में बिलीव करता है उसको क्या नाम से जानते हैं एथिस्ट के नाम से या फिर थीस्ट के नाम से ऑप्टिमिस्ट के नाम से पर, परसिमिस्ट से नाम से या फिर आपका नन तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना सिक्सटी नंबर क्वेश्चन के लिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो ईश्वर को मानता है जो बिलीव करता है उसको थीस्ट कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेवनटी नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि गिव द करेक्ट साइनोनम ऑफ अर्बन अर्बन का साइनोनम क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन है कॉर्टियास विलेज सिटी तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा सेवनटी नंबर का जो आ, अर्बन शहरी होता है तो सिटी इसका साइनोनम हो सकता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन 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 है आपके पास 71 71 आपके पास नंबर नंबर का का सामने है कह रहा है आपसे गिव द करेक्ट साइनोनम ऑफ लव लव का साइनोनम क्या हो जाएगा हेट हो जाएगा लस्ट हो जाएगा हेटरेट हो जाएगा या नन ऑफ तीज तो इन चारों में आपका जो राइट right आंसर हो जाएगा ना सेवेंटी वन नंबर क्वेश्चन का तो राइट right आंसर हो जाएगा आपका इनमें से लव का नन हो सकता है लस्ट भी नहीं हो सकता सकताम तो राइट right आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सेवनटी वन नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो है सेवनटी टू नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि गिव द करेक्ट एंटोनम्स ऑफ फॉर्चून फॉर्चून का उल्टा क्या हो जाएगा चांस फेल लक मिस फॉर्चून तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा आपका फॉर्चून का जो उल्टा होगा एंटोनम्स होगा वो होगा मिस फॉर्चून नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेवेंटी थ्री नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि विच ऑफ़ दीज इज़ द राइट फॉर्मेट फॉर राइटिंग द डेट ऑफ all द फॉर्मल लेटर्स आपके ऑप्शन हैं ट्वेंटी फाइव जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री या ट्वेंटी फाइव सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री या फिर जून पच्चीस दो हजार तेईस या फिर जून ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेवेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन के लिए तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना सेवेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जून 25 2023 हजार नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है टू गेट हेल्प विथ राइटिंग ए प्रोफेशनल रेज्यूमे वी कैन यूज इंटरनेट बुक्स आर्टिकल्स याल द एब तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन के लिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इन सभी का ही हम यूज कर सकते हैं अगर हम चाहे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सेवेंटी नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है नंबर का क्वेश्चन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाई पी नेहरू इन द ईयर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया था 1940 में 42 में 43 में 44 में कब लिखा गया था तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन के लिए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1944 तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने फिफ्टी वन से लेकर के सेवेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन तक पच्चीस क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं आपके आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए शेयर टू योर फ्रेंड्स जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइन हिट कर लीजिए जिससे कि अगला जब पार्ट हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत